चैनल न्यू प्रकाश यहाँ मैं बात करती हूँ फैशन ट्रेंड्स, ब्यूटी टिप्स, स्टाइल टिप्स, स्किन केयर, मेकअप। सो टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट शॉपिंग हॉल। दिस इज मीशो शॉपिंग हॉल। मैंने कुछ ज्वेलरी मंगवाए हैं लाइक इयररिंग्स, नेकलेस एंड बैंगल्स। सो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर दूं। सो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैंने जो भी शॉपिंग किए हैं विथ माई ओन मनी। सो मीशो के प्रोडक्ट वर्थ इट रहते ही भी हैं कि नहीं, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मीशो पे बहुत ही चीप रेट में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। मैंने भी बहुत चीप रेट्स में प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। सो मैं उसका रिव्यू भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। सो जो भी होगा वो बिल्कुल ऑनेस्ट होगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज दिस। सो इस इयररिंग्स है। सो इस तरह के डब्बे में मुझे रिसीव हुआ है इयररिंग्स एंड ये इस तरह के पैकेट में आया है। दिस वन इज द इयररिंग्स। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत पसंद आया मुझे। मैं बहुत दिन से इसे देख रही थी मीशो पे एंड मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को इस तरह की बड़ी बड़ी झुमकी पहने हुए देखा एंड ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा फैशन में है। सो मैंने इसे परचेज कर लिया। सो ये बहुत ज़्यादा प्रीटी है बट ये हेवी बहुत ज़्यादा है। लाइक आप इसे 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा आप इसे वेयर नहीं कर सकते। अगर आप इतने ज़्यादा हेवी इयररिंग्स वेयर कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, बट अगर आप हेवी इयररिंग्स वेयर नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल ऐसे चीज़ों में पैसे वेस्ट मत कीजिए, मैं सजेस्ट करूँगी। सो ये हेवी बहुत ज़्यादा है, बाकी क्वालिटी वाइज वगैरह बहुत अच्छी है। मैं इस बड़े बड़े झुमका को 10 में से 8 पॉइंट्स दूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी है। सो 2 पॉइंट्स मैं इसे इसमें इसका काट लूँगी। नेक्स्ट वन इज दिस। ये भी सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। सो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रीटी भी है। मैंने इसे 1-2 मंथ पहले ही लिया था एंड मैंने इसे होली में भी पहना था। मैं पिक्चर यहाँ लगा दूंगी। सो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मुझे ये बहुत पसंद आया। इस तरह से इसमें भी पर्ल की डिटेलिंग आप देख सकते हैं, पर्ल की डिटेलिंग है। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा बहुत एंड ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब आसानी से आप इसे बहुत देर तक वेयर कर सकते हैं एंड क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी अच्छी है। जैसे इसमें हाथी बने हुए हैं, इस तरह के चेन है, तो इस तरह की इसकी डिटेलिंग है। एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे 10/10 दूंगी। दिस वन इज द 10/10 पॉइंट प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट वन इज दिस बैंगल्स। ये इस तरह के डब्बे में मुझे बैंगल्स रिसीव हुआ है एंड इस तरह के पॉलिथीन में ये रैप था। सो मैंने इसे एक बार पहना है, मैंने इसे होली में परचेज किया था एंड मैंने इसे होली में पहना भी है। मैं सारा का पिक्चर एंड वीडियोस वगैरह स्क्रीन पे साइड में लगा दूंगी एंड मैं इसका कोड भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है क्वालिटी वाइज या फिर किसी वाइज आपको पसंद आता है तो आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। ये पर्ल बैंगल्स है, इस तरह से इसमें पर्ल की डिटेलिंग की हुई है, आप देख सकते हैं पर्ल की डिटेलिंग है एंड गोल्डन लूप्स बने हुए हैं, इसमें छोटे छोटे मोतीज भी दिए हुए हैं। सो ये मुझे काफ़ी पसंद आया एंड काफ़ी लाइट वेट भी है एंड मेरा साइज है 2.6। क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छी है, प्राइस वाइज भी बहुत अफोर्डेबल है। इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको लोकल मार्केट में इस तरह के बैंगल्स नहीं मिलेंगे। सो ये प्राइस वाइज भी बहुत अच्छी है एंड क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है। मैं इससे भी पॉइंट अगर दूंगी तो 10/10 पॉइंट्स दूंगी मैं इस बैंगल्स को। सो ये बैंगल्स मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत 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 पसंद आया। नेक्स्ट मैंने एक और बैंगल्स मंगवाया है। सो ये इस तरह के पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है, इस तरह की बस कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में ये लपेटा हुआ था इस तरह से। सो दिस वन इज द बैंगल्स। सो ये कोरी बैंगल्स है, मैं इसे अच्छे से निकाल के दिखा देती हूँ। सो दिस वन इज द बैंगल्स। पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो ये काफ़ी पहनने पे काफ़ी यू नो बोहो लुक टाइप देता है, पहनने पे काफ़ी अच्छा लगता है एंड अगर आप एक सिंपल भी इसे इस तरह से हाथ में डाल लेंगे तो आपको कोई और बैंगल्स वगैरह पहनने की नीड नहीं रहती है। ये भी साइज मेरा 2/6 ही है। क्वालिटी वाइज तो
थोड़ी सी इसमें डाउट है क्योंकि इसकी जो कोरी है वो ढीली टाइप की है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक टिकेगी। आप देख सकते हैं ढीली ढीली टाइप की है। सो ये मुझे चांस लगता है कि ये निकल जाएगी। सिंपली इस तरह का गोल्डन लेस रैप किया हुआ है एंड इस तरह से इसमें कोरी ऊपर से डाला हुआ है। लुक वाइज ये बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो मैं इसे भी 10 में से 7 पॉइंट्स दूंगी एंड अफोर्डेबल प्राइस में ही मुझे ये मिल गया। सो वीडियोस वगैरह में पहनने के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पीस। सो मैंने इसे परचेज कर लिया। नेक्स्ट वन इज दिस अ नेकलेस सेट। इस तरह के डब्बे में मुझे रिसीव हुआ ये नेकलेस सेट। सो चलिए मैं इसे खोल के दिखा देती हूँ। इस तरह के पैकेट में है ये। दिस वन इज द नेकलेस। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये एंड इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वेडिंग्स में, पार्टीज में, फंक्शन में आप इसे वियर कर सकते हैं एंड काफ़ी लाइट वेट भी है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। एंड इसमें इयररिंग्स भी है एंड मांग टीका भी है। इसमें इस तरह का इयररिंग्स दिया हुआ है तो मांग टीका भी है। क्वालिटी वाइज वगैरह मुझे ये बहुत अच्छी लगी। बहुत लाइट वेट भी है। इस तरह का कुंदन टाइप का इसका दिया हुआ है नीचे का डिटेलिंग एंड स्टोन बने हुए हैं एंड इसमें इस तरह का बंधन दिया हुआ है जो आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। सो ये बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर्स में ये था। सो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है एंड प्राइस वाइज भी मुझे बहुत अफोर्डेबल रेट में ये मिल गया। मैं इसे भी 10/10 पॉइंट्स दूंगी। ये था मेरा आज का वीडियो जहाँ मैंने शेयर किया मीशो शॉपिंग हॉल एंड मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके साथ शेयर किया मीशो प्रोडक्ट का, लाइक बैंगल्स, इयररिंग्स के सारे प्रोडक्ट के मैंने अपने ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके साथ शेयर किया। आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नीरू सिंह, सो डू फॉलो मी देयर। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।